नमस्कार खुशी का कोई ठिकाना नहीं है नहीं है ना? कल जो देखा लगता है सपना है पर आंखों से देखा हकीकत है दुनिया ने सराहा दुनिया अचंबित हो गई यह बदलते हुए भारत की वो तस्वीर है जिसने दुनिया पर अमिट छाप छोड़ दी है रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी राजनीतिक अनुभव है तपस्या से राजनीति करते हैं इन्होंने जो बातें कही वो दिमाग नहीं दिल से निकली हैं इन्होंने कहा हम अभिभूत हैं और ये आपकी वजह से है आपको श्रेय जाता है इन्होंने दो तीन बातों पर जोर दिया आप ध्यान रखना अब भार आपके कंधों पर है क्योंकि भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने आपके लिए ताना बाना पूरा बन दिया है और आपकी ताकत पूरी समझ ली है और आपने ताकत दिखाना शुरू भी कर दिया है ये बहुत शुभ संकेत है भारत माँ के लिए इस महान देश के लिए टी नटराजन जी एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ए शॉर्ट एड्रेस आर्टिकुलेटेड एसेंस ऑफ इट कि क्या हुआ कैसे हुआ क्या मानस था क्या दृष्टिकोण था क्या उपलब्धि थी आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड एडिशनल सेक्रेटरी एंड ऑल ऑफिशियल्स फॉर हैविंग परफॉर्म्ड एस विथ हाइएस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एग्जेप्लीफाइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस कल जो देखा उसका सपना हमने कभी नहीं देखा मन में सदा थी पर सोचते थे कि सपना इतना बड़ा कैसे देख सकते हैं आपने कर दिखाया श्री <laughs> राजीव पुनहामी जी सेक्रेटरी राज्यसभा डॉक्टर वंदना कुमार एडिशनल सेक्रेटरी राज्यसभा अधिकारीगण और सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूं क्यों यहाँ आपकी वजह से आपके लिए आपसे कनेक्ट करने के लिए आपसे दो बात करने के लिए देश में बदलाव की शुरुआत कब हुई जब पहली बार यह समझा गया कि हमारे आर्टिस्ट हमारी जनजाति के लोग हमारी अर्थव्यवस्था के हमारी सांस्कृतिक विरासत के असली अकदार हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को संजोए रखा है पन पाया है ये हमने अब देखा है पर कुछ तो करना पड़ता है और वो काम हो गया जब राष्ट्रपति भवन में पहली बार इतिहास रचित करते हुए जनजाति की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली संविधान निर्माताओं को बड़ा सुकून मिला होगा कि हमने जो सोचा था इस कालखंड में पूरा हो रहा है मुझे सौभाग्य मिला महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ राज्यपाल रहने का भी क्या शालीनता है क्या गहराई है क्या सच्चाई है और बनावटीपन बिल्कुल नहीं है वो सही मायने में विश्व स्तर पर जनजाति का आदर्श एम्बेसडर है हर प्रतीक जो हम देखना चाहते हैं उनमें है मुझे और मेरी धर्म को तो उनसे बहुत मिलना होता है हर बार ऊर्जावान होता हूं पर उनके मन में एक चिंता चिंतन रहता है कि जो प्रगति अब हो रही है और इसमें भागीदारी जो महिलाओं की है और खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं की है वो बड़े बदलाव का केंद्र है मैं मेरे प्रोफेशनल वर्क के लिए रांची जाता था एयरपोर्ट पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सड़क पर जाता था बिरसा मुंडा जी की स्टैचू पर दुनिया ने देश ने पहचाना जब जनजातीय दिवस बिरसा मुंडा जी की याद में घोषित किया गया महिलाओं को जब आरक्षण दिया गया लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण फलीभूत हुआ तीस साल तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया था पूरा हो गया 21 बीस और 20 सितंबर को मैंने 21 सितंबर को एक काम किया राज्यसभा में 17 महिलाओं ने उस दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर उस बिल के दौरान हाउस को प्रिजाइड किया ताकि उनको एक लग सके कि ये इतना ऐतिहासिक काम हो रहा है जिसमें हमारी भागीदारी है और जब वो पारित हुआ आप मानो सर्वसम्मति से ही पारित हुआ दो विरोध किया था वो भी लोकसभा में इसको असली संवैधानिक कवच तब मिला जब राष्ट्रपति भवन में अनुच्छेद 111 के तहत जनजाति की महिला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दस्खत किया पर इसका एक पहलू आप समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूं यह आरक्षण सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है यह महिलाओं में भी वर्गीकरण हुआ है हमारे संविधान में व्यवस्था है कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है पर उसमें महिलाओं को मिले ये सीट यह पक्का नहीं है इस कानून के तहत आप खास तौर ध्यान दीजिए पहले जितनी शेड्यूल कास्ट की सीट लोकसभा में होती थी और संविधान के तहत होती थी और लगातार होती रही है उनमें अब एक तिहाई शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को मिलेगा यह बहुत बड़ा बदलाव है जब हम बैठे थे अजय भट्टी भी उसी स्टेज पर थे महामहिम राष्ट्रपति जी थी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे रक्षा मंत्री जी थे अजय भट्ट जी थे मेरी धर्मपत्नी भी थी बोलना जरूरी है महिलाओं की ताकत बहुत ज्यादा है और जोरदार उपस्थिति है आपकी ठीक है ना मैं तो दंग रह गया कोई ऐसा टेबलो नहीं था जिस पर आपकी छाप नहीं हो दमदार काम बिल्कुल ही जनजाति की छाप तो थी और उसके अलावा देखिए मोटरसाइकिल पर जो अब तक हम समझते थे कि हम ही कर सकते हैं हमें पता लग गया कि हमसे बेहतर आप कर सकते हैं और वो कर, कर दिखा दिया सोचते थे हवाई जहाज चलाना तो चलो कर लेते हो पर लड़ाकू हवाई जहाज चलाना कैसे कर सकते हो वो भी दिखा दिया मैं सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं नाम से लगता है ये तो लड़कों के लिए है पर पिछले दस साल में बदल गया लड़कियां वहां एडमिट होती हैं सैनिक स्कूल में जाती हैं पर पिछले साल तो करिश्मा ही हो गया एक सैनिक स्कूल मथुरा में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए कर दी सेना में पहले लड़कियां जाती थी और कहती थी कहते थे कि पांच साल अब ऐसा नहीं है कहने का मतलब जिस देश की आबादी 140 करोड़ की हो और जिसमें आधी जनसंख्या का यह हाल हो आज के दिन इतना उत्साह है इतना उमंग है और इतने अवसर हैं तो उस देश को कोई रोक नहीं सकता आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे कालखंड में रह रहे हैं जहां भारत जिन बातों से पीछे हट रहा था प्रगति का रास्ता बंद था कब तक दीवार के सिर फोड़े और वो था भाई भतीजा नेपोटिज्म फेवरेटिज्म करप्शन अब वो सब गायब हो गया कानून के सामने समान था अब आज का भारत बदलावा भारत है आज के भारत में ऑटोक्रेसी ऑफ करप्शन हैज ईल्डेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ मेरिटोक्रेसी और यह सब इसलिए बता रहा हूं कि आज काल में प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को नेक्स्ट जनरेशन नहीं कहा है उन्होंने कहा है ये काल का जनरेशन है ये काल का जनरेशन तो मेरे सामने है वो अपने कंधों के ऊपर भारत को दो में जब आजादी के सौ साल मना रहे होंगे में से कुछ लोग नहीं होंगे पर हम आशावान हैं वी आर कॉन्फिडेंट ऑप्टिमिस्टिक एंड मेरे मन में कोई शंका नहीं है भारत दो में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा विकसित भारत होगा आज के दिन देखिए पहले सोचते थे कैसी सड़कें हमारे कैसे होंगी वो तो अमेरिका में हैं यूरोप में हैं एयरपोर्ट कैसे होंगे रेलवे स्टेशन कैसे होंगे अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ के एयरपोर्ट कैसे हैं यहाँ के हाईवे कैसे हैं हमारे गांव के अंदर इंटरनेट कितना जा चुका है ये लोगों ने कल्पना नहीं की थी आज के दिन जो सरकारी तंत्र है वो सरकारी तंत्र पूरी तरह से उत्तरदायी है पारदर्शी है पहले कहते थे भाई दिल्ली से पैसा भेजते हैं कटता 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 पता नहीं दस पंद्रह पैसे पहुंचता है आज के दिन पैसा बटन से पहुंचता है और सीधा पहुंचता है और बिना कटौती के पहुंचता है कितनी योजनाएं सरकार की हैं, जिसके अंदर महिलाओं को और आदिवासी समाज को पूरा न्याय मिला है आप थोड़ी नजर दौड़ाइए पद्मा अवार्ड किसको पद्मश्री मिला है किसको पद्म भूषण पद्म विभूषण मिला है किसको भारत रत्न मिला है और आपको तब पता लगेगा कि मिलने से पहले उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमें मिलेगा उनको ढूंढा गया उनकी प्रतिभा पहचानी गई और पता लगाया गया ये गुदड़ी के लाल हैं ये वो हैं जिनको मिलना चाहिए और जब मैं देखता हूँ उनका रिएक्शन वो कहते हैं विश्वास नहीं हुआ महिला कहती है ट्राइबल की कि मुझे मिल गया और सब कहते हैं कि सही को मिल गया इन्हीं को मिलना चाहिए था कहने का मतलब आज के दिन आपके हक को कोई कम नहीं कर सकता ये एक तरीके से गारंटी मानिए और ये गारंटी देश को बहुत आगे तक ले जाएगी मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा पहला सुझाव आप फिट रहिए स्वस्थ रहिए अनुशासित रहिए और औरों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति को जागरूक कीजिए सड़क को ही ले लीजिए हमारे यहाँ सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं लंबी चौड़ी बन गई हैं, आठ आठ लेन के हाईवे बन गए हैं कुछ अनुशासन की वहाँ कमी है अनुशासन रखना चाहिए दूसरा कभी डरिए मत एन के लोग आए थे आज मैंने उनको कहा कि डर सब प्रतिभा को खत्म कर देता है ये आपके दिमाग पर कुठारा घात करता है कोई भी अच्छा प्रयास इसलिए मत छोड़िए कि मैं विफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे चंद्रयान तीन इसलिए सक्सेस हुआ कि चंद्रयान दो थोड़ा कम सक्सेस था यदि अगर वह हताश हो जाते तो आगे कैसे बढ़ते नेवर फियर फेलियर और जो आपके मन में है जागरूक होकर पता लगाइए सरकार की नीतियां क्या हैं। आज आपके सामने कोई बाधा नहीं है कोई सीमा नहीं है आप जो करना चाहो कर सकते हो और अपनी प्रतिभा को उज्जवल कर सकते हो आपको करना चाहिए आप आज पार्लियामेंट देखेंगे देख रहे हैं ना उत्सुक हैं तीन बातों का ध्यान रखिए तीस महीने में बनी है वो पार्लियामेंट कोविड के बावजूद बनी है और सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनी है अंदर आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकली कितना ज्यादा इक्विप किया गया है यह भारत में हुआ है दुनिया अचंबित है आपको कोई पेंटिंग अच्छी दिखे स्कैन कीजिए फट पता लगेगा आपको अपने मोबाइल पर किसकी पृष्ठभूमि क्या है मैं हमारे सचिव राजीव पुनामी को अनुरोध करूंगा कि हम एक नई व्यवस्था चालू कर रहे हैं इंटर्न्स की वो इंटर्न जो कुछ सप्ताह राज्यसभा में बिताएंगे ये शुरुआत करेंगे हम जैसे मथुरा के अंदर ऑल गर्ल्स एन स्कूल बनी उसी तरीके से वी विल हैव स्पेशल इंटर्नशिप फॉर आवर गर्ल्स ऑल्सो ड्रोन फ्रॉम ट्राइबल एरियाज और आपको तब मौका मिलेगा दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत को नज़दीकी से देखने का नज़दीकी से समझने का और तब आप बता पाओगे बाहर जाकर कि किस तरीके से कितना हम और कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो ये एक तिहाई आरक्षण महिलाओं का फलीभूत होगा आई कैन विजुअलाइज भारत की संसद का और विधानसभाओं का रूप क्या होगा अंदाजा लगाइए इस इस हॉल के अंदर हम कितने सरचार्ज हैं क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है वहाँ भी जब दमदार उपस्थिति होगी देश के निर्माण का इतना जबरदस्त काम होगा कि महान भारत आगे बढ़ता जाएगा और 5000 की सांस्कृतिक विरासत जो हमारी है उसको चार चांदोर लगा देंगे मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप रिपब्लिक डे के अनुभवों को शेयर कीजिए निमंत्र लिखिए सोशल मीडिया पर डालिए एक एक बात को बारीकी से याद कीजिए कि हम कहां थे हमने वो रिपब्लिक डे अटेंड किया है जो सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक डे है हमने वो रिपब्लिक डे अटेंड किया है जो अमृतकाल में है हमने वो रिपब्लिक डे अटेंड किया है जिसमें भारत की मजबूत नींव नजर आ रही है और दो का रूप हमें दिख रहा है बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद उपराष्ट्रपति महोदय